हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को फिर से बताने वाली हूँ कि प्रेग्नेंट कैट की केयर कैसे करें। और इसमें एक ज़रूरी बात मैं बताऊंगी कि आपको प्रेगनेंसी के टाइम अगर आपकी डिवॉर्मिंग नहीं हो पाती तो आपको क्या करना चाहिए। तो आप वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। प्लीज़, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। तो ये देखिए, मेरी किटी है। तो गाइस, कैट के दिन बहुत पास आ रहे हैं और उसका पेट ऐसे हैवी होता चला जा रहा है, तो मुझे बहुत टेंशन हो रही। बिकॉज़ फर्स्ट टाइम मैं तो टेंशन तो हो गई, और विंटर भी आ रहा है, ठंड में कैसे बच्चों के केयर करना ये तो मुझे पता नहीं है। मेरा भी कैट मैंने फर्स्ट टाइम रखा है, तो फर्स्ट टाइम इसकी प्रेगनेंसी भी है, तो बहुत डर लग रहा है। और आई होप सब कुछ अच्छा हो और आप लोगों की दुआ से माई कैट अच्छी रहे, हेल्दी रहे, और बच्चे भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हों। और देखिए कैसे इसको प्यार दुलार चाहिए, प्यार दुलार तो हम दे ही रहे हैं। और आपकी भी कैट जैसे प्रेग्नेंट हो तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा केयर करें और प्यार दें, इसको दुलार चाहिए होता है। और जैसे ये मैंने जौ बोया हुआ है, तो आप भी ऐसे जौ बो के रखें, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम डिवॉर्मिंग नहीं करा पाते जो लोग, क्योंकि मेडिसिन होता है उसमें नहीं देना चाहिए प्रेगनेंट के टाइम। तो आप इसको जौ को बो के रखें, जौ में एक विटामिन निम होता है, तो आप इसको बो के रखेंगे तो कैट वैट इससे खेलती भी और खाती भी, तो इन लोगों के हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आप लोग भी बो के रख दीजिएगा, इससे आपके कैट लोग खेलेंगे, और मेरी कैट तो इससे बहुत खेलती है, और सिम्बा भी इससे बहुत खेलता है। अभी सिम्बा दूसरे रूम पे है, और किटी के लिए मैंने यहाँ पे ब्लैंकेट बिछा दिया है जिससे ये आराम से यहाँ से सो सके। और नीचे इसका घर भी है, नीचे आप देख सकते हैं, नीचे इसका घर भी बना है, तो नीचे यहाँ यहाँ भी जाके सो सकती है। और अभी तो फिलहाल ये ऊपर सोती, क्योंकि इसको बाहर सोने में बहुत मजा आता। देखिए कैसे खड़ी हो गई। किटी, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? ये हमने अपने हाथ से किटी के लिए अपने बनाया है। अच्छा लग रहा ना किटी? नई नई चीजें इन लोगों को बहुत पसंद है। देखिए मेरी किटी का पेट थोड़ा हैवी हो रहा है, बेचारी बहुत दुबली, इस टाइम खाना ना खाती, लेकिन पता नहीं हेल्दी नहीं हो रही। इसकी थोड़ी केयर करना बहुत जरूरी है, और मुझे केयर करने के लिए टाइम नहीं मिलता, फिर भी मैं टाइम निकालती हूँ इन लोगों के लिए। किटी, क्या हो बेटा? देखिए कैसे खेल रही है, इसीलिए कहते हैं जौ बो के रखना चाहिए, इससे जौ से खेलती। क्या हुआ किटी, क्या हो बेटा? अभी इसको दुलार प्यार बहुत चाहिए। रात में ये मेरे पास आके म्याऊं-म्याऊं करती, मुझे सोने नहीं देती है। रात में इसको भी दुलार चाहिए होता है, रात में भी, दिन में भी दुलार चाहिए होता है। ये इनको बस अपना खुद का अटेंशन चाहिए। इसके लिए अगर मोबाइल चला रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो कुछ नहीं करने देगी। अगर किसी से बात कर रहे हो तो खेलती है, कहती मुझे खिलाओ, बात मत करो किटी। और कोशिश करें कि प्रेगनेंसी के टाइम ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने कैट के पास रहें और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें, और कोशिश करें कि कैट को अपने गोद में ना उठाएं। नहीं तो किटन्स होते हैं जो उनको प्रॉब्लम होती है कि पेट एट दबता है, तो कोशिश करें कि किटी कैट को आप गोद में उठाएं ही ना, ऐसे आप प्यार देते रहें, गोद में ना उठाएं। और कोई दूसरा सिम्बा, जैसे मेरा सिम्बा ऐसे लड़ाई लड़ाई करता है, तो आप कोशिश करें कोई अदर बिल्ला हो, उससे लड़ाई लड़ाई मत करने दीजिएगा और इसको प्यार दीजिएगा। देखिए अब जाने की कोशिश कर रही, बस इसका दुलार ख़त्म हो गया, या भूख लगी होगी या प्यास लगी होगी। और डलिया में जाके बैठती, डलिया भी मैंने साइड में रख दिया है। अब देखिए क्या करने जा रही है, अब इसको खाना चाहिए होगा या पानी चाहिए होगा। अब इसको खाना चाहिए, गई, देखते हैं क्या करती, खाना खाती है कि पानी पीती है। किटी, किटी, इनके पानी पीने का तरीका भी बहुत अलग है। पहले पंजों से मारेगी, फिर पानी पिएगी, ऐसे पंजे से मार मार पानी पीती। अब उसको ब्लैंकेट में थोड़ी गर्मी लग गई, इसलिए ज़मीन में आके बैठ गई है, थोड़ा ठंडा लेने के लिए। किटी, किटी अभी बहुत सुस्त है, तो अभी देखिएगा ट्रीट मैं दूंगी, तो ट्रीट कैसे खाएगी, ट्रीट के लिए कितनी कहीं भी हो ट्रीट आराम से खाती। देखिए ट्रीट अभी खिला रही हूँ, तो ट्रीट